गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। बेटा आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हम बेटा क्या करेंगे, लर्निंग आउटकम्स क्या है हमारी, अर्ली एज कैलकुलेशन डिवाइस, मॉडर्न एज कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, करेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस। तो बेटा आप फोर्थ क्लास में पढ़ के आए होंगे जो कंप्यूटर है वो हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, ठीक है। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक के हमारा कंप्यूटर मशीन के नहीं चल सकता। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन इसकी। अ कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू टेक डाटा, प्रोसेस इट एंड स्टोर इट एंड शो द रिक्वायर्ड आउटपुट। तो कंप्यूटर क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम किसी भी डाटा को रिसीव कर सकते हैं, देन उसके बाद प्रोसेस करके स्टोर करके कोई भी आउटपुट निकाल सकते हैं। बट इन एंशिएंट टाइम वेयर वर नो सच डिवाइस, पीपल यूज टू स्टोन मार्बल बोन्स स्मॉल स्टिक्स फिंगर्स एक्सेप्टेड टू कैलकुलेट एंड मेंटेन देयर नेसेसरी रिकॉर्डेड। तो पुराने टाइम में क्या था, पुराने समय में क्या था, उनके पास कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं था जिसमें वो अपना कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाटा या एड्रेस स्टोर करके रख सकते थे। तो उनको क्या करना पड़ता था, वो अपने मार्बल्स या स्टोन्स मतलब पत्थर के साथ मार्बल्स के साथ या लकड़ियों के साथ या फिंगर्स पे वो क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे और अपना डाटा क्या करते थे, याद करते थे, लर्न करते थे। बट जैसे जैसे बेटा टाइम क्या अच्छा होता गया, जैसे जैसे टाइम साइंटिस्ट ने टाइम निकाला, जैसे जैसे टाइम आगे होता गया बढ़ता गया, तो हमें क्या मिल गया, कैलकुलेटर मिल गया। तो जिसके साथ हम क्या कर सकते, इजी वे से हम कैलकुलेटर पर अपना काम कैलकुलेट कर सकते थे, कोई भी कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। देन है बेटा अर्ली एज कैलकुलेशन डिवाइसेस, जो आपने इसके बेटे जो अर्ली एज कैलकुलेशन डिवाइसेस जो पुराने टाइम में कौन सी डिवाइसेस चलती थी उसके बारे में अब हम रीड करेंगे। 3000 BC बेकर्स, जो कि किसने डेवलप किया था, इस कहाँ पे फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस डेवलप हुई थी, चाइना में हुई थी। ये बेटे एक सिंपल कैलकुलेशन बना था जिसमें हम एड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन हम कर सकते थे। देन नेक्स्ट है बेटा 1614 नेपर्स बोन्स जो था, ये इन्वेंट किसने किया था, उसने अपने नेम पे ही बेटा जॉन नेपर्स ने इन्वेंट किया था ये कैलकुलेटिंग डिवाइस, जो उसने अपने नाम पे ही रखा था, नेपर्स बोन्स पे, ठीक है। ये क्या कर सकते, इसने अपने नाम पे ही रखा था, इस पे हम और इजी क्या कर सकते थे, काम कर सकते थे, अपना कैलकुलेटर कर सकते थे। देन है 1642 में हुआ था, पास्कलिन एडिंग मशीन बनाई थी, जो किसने बनाई थी, पास्कलिन ने बनाई थी, क्या नाम है, किसने ये क्या नाम है, फर्स्ट मशीन कैलकुलेटर इन 1642 में इन्होंने इन्वेंट किया था। ये बेटा ए रेक्टेंगुलर बॉक्स का था, इसमें 8 मूवल व्हील्स थे, ठीक है। ये देखो ये जो बना हुआ है ये पास्कलिन ने बनाया है, इसमें 8 मूवल व्हील थे और रेक्टेंगुलर शेप का था। देन है 1671 लिबजन कैलकुलेटर ने बनाया था, जो किसने बनाया था, जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रिड फॉन लीबनिट्ज़ बिल्ट अ कैलकुलेटेड डिवाइस कुड ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइस, ठीक है बेटा। तो आपने इनके क्या करने हैं, सिर्फ ईयर याद करने हैं, देन नेम याद करने हैं। देन है आपका 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन के बारे में उन्हें बताया कि डिफरेंस बताया है। डिफरेंस इंजन वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर विच कुड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। चार्ल्स बेबेज इम्प्रूव्ड हिज मशीन एंड इन्वाइट द फर्स्ट जनरेशन पर्पज कंप्यूटर, का बनाया था उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजन बनाया था, जो कब बनाया था, 1833 में। चार्ल्स बेबेज ने और इजी करने के लिए उन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेशन करने के मैथ्स का काम करने के लिए, हमें कैलकुलेट करने के लिए और इजी उन्होंने क्या बनाया था, कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम उन्होंने क्या था, एनालिटिकल इंजन दिया था, जो 1833 में हुआ था। तो इसमें हम क्या करते, बेसिक एलिमेंट्स एज अ मॉडर्न कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट स्टोर मिल एंड कंट्रोल, और ठीक है बेटा ये इनका डिफरेंस था। पहले टाइम में ये वाले थे, देन उसने चार्ल्स बेबेज ने और इन्वेंट करके एक और हमारा क्या किया, इजी टू इजी वर्क करने के लिए और अच्छा कंप्यूटर उन्होंने इन्वेंट किया। तो जो बेटा चार्ल्स बेबेज इज नोन एज अ फादर ऑफ द कंप्यूटर, जो चार्ल्स बेबेज है वो हम उसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द कंप्यूटर। ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है, वन वर्ड में क्वेश्चन में आ सकता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था, तो हम क्या लिखेंगे, चार्ल्स बेबेज का। तो ये बेटा डिफरेंस इंजन था, जो डिफरेंस क्या नाम है, ये पुराने टाइम का था, ये इलेक्ट्रिकल इंजन था जो बनाया था।
देन नेक्स्ट है बेटा 1890 टैबलेटिंग मशीन बनाई थी, किसने बनाई थी? हरमन होलरेथ ने बनाई थी। इसमें उन्होंने क्या कहा, इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या थे, ये पंच कार्ड की हेल्प से हम सेंसर डाटा को रिकॉर्ड कर सकते थे। ये कब बनाई थी? 1890 में। तो ये इंटरनेशनल बेटा आईबीएम, जो आपने ये फुल फॉर्म्स लर्न करनी है, ये ही स्टार्टेड कंपनी किसने स्टार्ट किया था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम ने। ठीक है, देन नेक्स्ट है 1941 में मार्क वन आए थे, उन्होंने क्या बनाया था? ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। इट वॉज डेवेल्प बाय, किसने डेवेल्प किया था? हॉवर्ड एच एकर ने 1941 में एक नेक्स्ट क्या बनाया था, कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी, जो कि जो मशीन बहुत बड़ी थी। द मशीन वॉज वेरी बिग इन साइज, इट वॉज अबाउट 15 मीटर लॉन्ग एंड नीडेड 800 किलोमीटर लॉन्ग वायर टू कनेक्ट इट्स डिफरेंट पार्ट, जो कि 15 मीटर लंबी थी और 800 किलोमीटर लॉन्ग इसकी वायर थी। ये कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट करते थे। देन है 1947-46 में इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर मशीन आई, जो किसने डेवलप की थी? जॉन माचले एंड प्रेस्पर स्केट ने 1946 में की थी, जो 1000 टाइम्स फास्टर देन मार्क वन से अच्छा था। तो इसमें इट कंसिस्टेड ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी। इट इज अ लार्ज इन साइज एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की लंबा भी, इतनी लंबी भी थी, इतना लंबा था और कितना कंज्यूम करती थी इलेक्ट्रिसिटी, लॉट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लोड करती थी। देन नेक्स्ट है 1949 में इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बनाया, किसने डेवेल्प किया था? मॉरिस विल्किंस ने 1949 में इन्होंने डेवेल्प किया था। ये क्या करने थे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो स्टोर करता था हमारे प्रोग्राम से। ये फास्टर किससे था? ENIAC से फास्ट था। देन नेक्स्ट आया 1951 में यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वन आया, किसने डेवलप किया था? जॉन माचले एंड जे परस्पर स्केट ने 1951 में किया था। ये फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो दोनों को हैंडल कर सकते थे, न्यूमेरिकल और टेक्स्ट डाटा को क्या कर सकते थे, बोथ को हैंडल कर सकते थे। तो इसको हम क्या, इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज मैग्नेटिक टेप भी कह सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा है मॉडर्न एज कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर आर मच स्मॉलर इन साइज, कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी एंड वर्क फास्ट। ठीक है, क्या करता था? स्मॉलर इन साइज, छोटा था, कंज्यूम ज्यादा कम करता था इलेक्ट्रिसिटी और काम क्या करता था, बहुत जल्दी करता था। देन फर्स्ट इसमें क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। सभी को पता है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हमारे सब आजकल चलते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है इसका? हमारा होम्स में, स्कूल्स में, शॉप्स में और वैरायटी ऑफ पर्पस इंक्लूडिंग ग्राफिक डिजाइन, डाटा एंट्री, हम इसमें गेमिंग सब कुछ इस कंप्यूटर में हम कर सकते हैं। देन है लैपटॉप कंप्यूटर। जो बेटा ये लैपटॉप कंप्यूटर है, इसको बोला है उन्होंने इनफ टू सीट इन पर्सन लैप, इसको हम अपनी गोदी में भी, लैप मतलब अपनी गोदी में भी इसको यूज करके रख सकते, हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो हम इसको बाहर भी लेके जा सकते हैं। ये किसकी तरह होता है, एक नोटबुक की तरह हम इसको होता है, इट इज कॉल्ड नोटबुक। तो हम इसमें ये स्मॉलर होता है, थिनर और लाइटर देन मोस्ट डेस्कटॉप पीसी के कम, मतलब कि बारी, जैसे पीसी बारी होता है, पीसी को तो हम कहीं नहीं लेके जा सकते बट हम लैपटॉप को कहीं भी लेकर जा सकते हैं। देन है टैबलेटिंग कंप्यूटर। टैबलेटिंग सबको पता है, टैब जो आजकल हम यूज करते हैं ये स्मार्टफोन की तरह होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, फोन यूज भी कर सकते हैं, एक दूसरे को फोन भी कर सकते हैं। यूज टू टेक फोटोज, मेक फोन कॉल्स एंड सेंड मैसेजेस, रिकॉर्ड वीडियोज एंड परफॉर्म अदर टास्क डैट कैन बी परफॉर्म बाय अ स्मार्टफोन एज वेल। जो टैबलेट है बेटा उसमें हम एक दूसरे को फोन भी कर सकते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अपनी फोटोज वीडियो सब कुछ इसमें हम कर सकते हैं, मैसेज टू सेंड भी कर सकते हैं। तो ये बेटा आपका था, यहाँ तक हम आज करेंगे टैबलेटिंग कंप्यूटर। ये आपका मॉडर्न कंप्यूटर जो है, हमारा एज कंप्यूटर हमने आज किया है। देन और फर्स्ट हमने किया है अर्ली एज कैलकुलेशन। आपने इसके सिर्फ बेटा ये ईयर्स लर्न करने हैं, ठीक है, और देन उसके बाद हम नेक्स्ट अब जब आपकी क्लास लगेगी तो हम इसमें क्या लर्न करेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो अभी तक आपने, यहाँ तक आपने सबने रीड करना है अच्छे से। थैंक यू बेटा।